देश में कोरोना वायरस के नए रूप यानी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश के 14 राज्यों में इस खतरनाक वायरस के 220 केस सामने आए हैं। यही कारण है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक सभी इस मामले को लेकर बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जिसके बाद इसी वायरस को लेकर आज प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की है, जहां प्रधानमंत्री भी इस ओमिक्रॉन वायरस को लेकर बहुत परेशान नजर आए। आपको बता दें कि आज केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस वायरस के चलते एडवाइजरी जारी की है। तो चलिए बताते हैं कि इस एडवाइजरी में क्या है। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्र ने ओमिक्रॉन को डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक बताते हुए वॉर रूम एक्टिव करने की सलाह दी है। साथ ही कोरोना से जुड़े हुए अपडेट्स पर नजर रखते हुए स्थानीय और जिला स्तर पर कड़े और त्वरित कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो निर्देश। केंद्र सरकार सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर रोक लगाने, शादी और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए जाएं। केंद्र सचिव ने अपने पत्र में जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने, कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने, केसों की लगातार समीक्षा करने, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने जैसे जरूरी कदम को उठाने की सलाह दी है। केंद्र ने पत्र में कहा है कि इस तरह की रणनीति से राज्य के बाकी हिस्सों में संक्रमण फैलने से पहले ही स्थानीय स्तर पर काबू में हो जाएगा। केंद्र ने अपने पत्र में राज्यों को लिखा, वॉर रूम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को एक्टिव करें, केस ट्रेंड का एनालिसिस करें, भले ही केस कम हो जिला और स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्रवाई करते रहें, फील्ड अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा करें, कोरोना के नए क्लस्टर कंटेनमेंट जोन बफर जोन बनाए जाएं, कंटेनमेंट जोन में ही संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, सभी क्लस्टर सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। पत्र में कहा गया है कि अभी तक वैज्ञानिक सबूतों से पता चला है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना अधिक संक्रामक है। इतना ही नहीं, भारत के कई हिस्सों में डेल्टा के भी केस सामने आए हैं। सभी राज्यों से बेड की संख्या बढ़ाने, एम्बुलेंस और अन्य मशीनरी बढ़ाने और ऑक्सीजन और दवाओं का बफर स्टॉक बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। ओमिक्रॉन को देखते हुए नेशनल क्लिनिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इन एडवाइजरी पर राज्य सरकारों द्वारा कितना ध्यान दिया जाएगा और राज्य सरकारों द्वारा जमीनी स्तर पर इस वायरस को फैलने से कितना रोका जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार चैनल। धन्यवाद।